Bismillahirrahmanirrahim class, I am Hiba Ijaz, your computer science instructor, and welcome to computer science class. So this is your lecture number 33. We were on chapter number 6 and today we'll continue it, that is wireless communication. So today we'll discuss different topics. The first one is wireless access point. Afterwards we'll see what is line of sight communication, and then we'll study about short distance wireless communication. Okay. So let's start from wireless access point. First, let me read it out. Then आपको लोगों को समझाती हूँ कि ये होता है क्या. छोटे-छोटे topics हैं आज जो हमने study करनी है different. So wireless access point basically एक device होती है, ठीक है, जो कि allow करती है wireless devices को connect होने में किसी wired network के साथ. For example, ये एक wireless access point है, ठीक है, और ये आपके कोई वायरलेस डिवाइस है. फॉर एग्जाम्पल आपका कोई लैपटॉप है, ठीक है. अब आपने क्या करना है, पीछे से कोई आ रहा है ईथरनेट, कोई इंटरनेट आ रहा है, ठीक है, और जो आपकी ईथरनेट केबल है, जैसे आपके घरों में फ़ोन केबल्स आ रही हैं, ईथरनेट केबल्स आ रही हैं, ठीक है, ये कनेक्टेड है वायरलेस एक्सेस पॉइंट के साथ. अब वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या करेगी, सिग्नल्स को, इंटरनेट के सिग्नल्स को, ठीक है, ब्रॉडकास्ट करेगी, मतलब फैलाएगी. ब्रॉडकास्ट करना क्या होता है, हर डायरेक्शन में फैलाना उनको. ओके. अब कोई भी आपकी कोई डिवाइस है, वायरलेस डिवाइस है, जैसे लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, वो इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकेगी जो कि इस वायरलेस एक्सेस पॉइंट के साथ बैक एंड पे कनेक्टेड है, ठीक है. तो ये क्या है, एज अ मीडियम काम कर रही है एक वायरलेस डिवाइसेस के दरमियान, और जो वायर्ड नेटवर्क इसको अवेलेबल हो रहा है, जो वायर के साथ इसके साथ कनेक्ट किया गया है उसके दरमियान, ठीक. तो अगर कंप्यूटर्स हैं, उन्होंने कम्युनिकेट करना है इसके साथ, ईथरनेट के साथ, इंटरनेट के साथ, तो जो बीच में काम कर रहा है वो है वाईफाई, ठीक है. वाईफाई के थ्रू हम लोग क्या हासिल कर सकेंगे, इस जो बैक एंड पे सर्विस हमें अवेलेबल है, इंटरनेट की सर्विस अवेलेबल है, वो हम हासिल कर सकेंगे. ओके. तो इस वायरलेस एक्सेस पॉइंट के साथ एक लैपटॉप वाईफाई की मदद से कनेक्ट होके सर्विस हासिल कर सकता है, ठीक है. इसी तरह ये मोबाइल फ़ोन इस वायरलेस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो सकता है वाईफाई टेक्नोलॉजी के थ्रू, और इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकता है. ओके. जैसे हमारा एक राउटर होता है, राउटर क्या करता है, हम लोग राउटर को कनेक्ट कर देते हैं पीछे इंटरनेट के साथ, इंटरनेट केबल के साथ, और हमारे पास उसके थ्रू इंटरनेट हमारे पास अवेलेबल हो रहा होता है, ठीक है. इंटरनेट एबल, इंटरनेट के साथ हमें कनेक्ट कर देती है हमारे राउटर को, एंड देन राउटर सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट करता है, हम अपने फ़ोन को उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जो वाईफाई के सिग्नल्स हमें अवेलेबल होते हैं, हम उसके साथ कनेक्ट करके कोई भी सर्विस हासिल कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन ज़रूरी ये है कि अगर मैंने एक लैपटॉप को कनेक्ट करना है, ठीक है, वाईफाई के साथ, तो इसके अंदर वाईफाई लैन प्रोटोकॉल होना ज़रूरी है. अगर वायरलेस लैन प्रोटोकॉल नहीं होगा, जिसको हम वाईफाई भी कहते हैं, तो मैं लैपटॉप के अंदर वाईफाई की सर्विस हासिल नहीं कर सकती. ओके. लैन प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या होती है, कुछ रूल्स होते हैं, कोई बिल्ट इन रूल्स होते हैं. ओके. तो लैन, वायरलेस लैन प्रोटोकॉल के कोई रूल्स होंगे. अब हमारे पास आज का जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं वो फुली इक्विप्ड होते हैं, उसके अंदर सारी टेक्नोलॉजी, सारी इसके प्रोटोकॉल्स वाईफाई के प्रेजेंट होते हैं. ओके. तो हम लोग किसी भी वायरलेस एक्सेस पॉइंट के साथ, जैसे कि राउटर है या कुछ स्विच है, उसके साथ हम लोग आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है. ये हमारे पास होता है वायरलेस एक्सेस पॉइंट. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन. लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन में हमारे पास बेसिकली एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर एंटेनाज होते हैं, और ये आर इन लाइन ऑफ SAS. मैं पहले इसको आप लोगों को समझाती हूँ, देन रीड आउट करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ट्रांसमीटर एंटीना है, ये रिसीवर एंटीना है, जैसे हमारे पास टीवी स्टेशन होते हैं, ठीक है, टीवी स्टेशन होते हैं, और यहाँ पे हमारे घरों में टीवी लगा हुआ होता है, ठीक है. अब टीवी स्टेशन क्या करते हैं, या फिर हम रेडियो स्टेशन कह लेते हैं, ठीक है, रेडियो स्टेशन. अब रेडियो स्टेशन
के अंदर ट्रांसमीटर्स लगे हुए होते हैं। ये ट्रांसमीटर्स क्या कर रहे होते हैं, सिग्नल्स को जनरेट कर रहे होते हैं और एक सैटेलाइट के पास भेज देते हैं। ठीक है, ये सैटेलाइट इन सिग्नल्स को रिसीव करके रिसीवर के पास भेज देती है। रिसीवर क्या है, हमारे घर में अगर आपके पास कोई रेडियो है, आप फोन पे रेडियो सुन रहे हैं या फिर आप अपने नॉर्मल रेडियो के ऊपर रेडियो सुन रहे हैं, आप रेडियो सेट के ऊपर, ठीक है, तो आप इन सिग्नल्स को रिसीव कर लेते हैं। तो बेसिकली लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन यही होती है कि जो ट्रांसमीटर का एंटीना है और जो रिसीवर का एंटीना है, दे आर इन लाइन ऑफ SAS। जैसे ये सैटेलाइट है, ये इसकी लाइन में है, ये इसकी तरफ जा रहा है और ये रिसीवर की तरफ आ रहा है। अब अगर ये दोनों ट्रांसमीटर और रिसीवर यहाँ से डायरेक्टली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, बीच में आपके बिल्डिंग्स होती हैं, हमारे पास कोई ट्रीज हो गए या कुछ भी हो सकता है, माउंटेन्स हो गए, तो ये सिग्नल्स जो आ रहे होंगे ये इनके साथ क्या होंगे, इनके साथ इंटरफेरेंस आ जाएगी, इसके अंदर सिग्नल के डिस्टॉर्शन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सिग्नल्स के लॉस होने का चांस होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये डायरेक्ट सी SAS की तरफ भेज देते हैं और वहाँ से वो आगे ट्रांसमिट कर देती है। तो नॉर्मली जो ट्रांसमीटर्स होते हैं, इनको कोशिश होती है कि किसी हिल्स के ऊपर या माउंटेन्स के ऊपर या आपके बिल्डिंग्स के ऊपर लगाया जाए ताकि रास्ते में कोई इंटरफेरेंस ना आए या डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सके। ओके, तो इन लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन द ट्रांसमीटर रिसीवर एंटीनाज आर इन लाइन ऑफ SAS। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन इज यूज इन हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन। कहाँ यूज होती है, हाई फ्रिक्वेंसी, जब आपको कम्युनिकेशन करनी हो तो हम लोग लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन यूज करते हैं, जहाँ पे जो हमारे पास सिग्नल्स हैं वो स्ट्रक्चर्स लाइक या हिल्स के थ्रू पास हो ना सके, ठीक है, और उसकी फ्रिक्वेंसी खराब ना हो, बस उसी फ्रिक्वेंसी के साथ इसके वो ट्रांसमिट हो रहे हैं, उसी फ्रिक्वेंसी के साथ रिसीवर को रिसीव हो जाए। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ट्रांसमीटर्स आर इंस्टॉल्ड ऑन हाई बिल्डिंग्स, माउंटेन टॉप्स और हाई टावर्स, मैं बता चुकी हूँ। रिले स्टेशन बूस्टर्स आर यूज्ड टू एम्पलीफाई द सिग्नल्स एंड रीट्रांसमिट फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन। एक सिग्नल हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल इधर पीछे एक और स्टेशन है, उसने कम्युनिकेट करना है इस स्टेशन के साथ, ये सिग्नल्स भेज रहा है, लेकिन सिग्नल्स के क्या हुआ, सिग्नल्स जो है उसकी फ्रिक्वेंसी लूज भी हो सकती है, ठीक है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी को, उन सिग्नल्स को वापस क्या किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है, मतलब उनको उनकी नॉर्मल फ्रिक्वेंसी में लाया जाता है, उनकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाया जाता है। तो इस काम के लिए बूस्टर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, जो कि एम्पलीफाई करते हैं सिग्नल को और फिर दोबारा उसको ट्रांसमिट करते हैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की तरफ। फॉर एग्जाम्पल ए स्टेशन ने भेजा बी की तरफ, बी ने आगे सी की तरफ भेजा है, तो बी क्या करेगी, उस सिग्नल को दोबारा एम्पलीफाई करेगी, बूस्ट करेगी, ताकि उसकी सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी है वो अपनी वापस करंट हालत में, जो उसकी स्टार्टिंग हालत थी उसमें आ जाए और लूज ना हो उसकी फ्रिक्वेंसी, और उसका डाटा जो लिखा हुआ है वो उसका लूज ना हो, खराब ना हो, डिस्टॉर्ट ना हो। ओके, तो ये है हमारे पास लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन। अब हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन जो होती है, एक अगर पर्सन है ए, इसने बात करनी है बी से, ठीक है, या फिर अगर ए और बी, हो सकता है बी ए की रूम में, ए और बी दोनों ए की रूम में, तो अगर इन्हें आपस में बात करनी है तो ये शॉर्ट डिस्टेंस से बैठे हुए हैं, ये होगी शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, क्योंकि एयर के थ्रू हम लोग बात करते हैं, हमारा मीडियम एयर होता है, तो हम लोग की क्या होती है, वायरलेस कम्युनिकेशन, कोई वायर नहीं लगाएगी। लेकिन अगर बी दूसरी सिटी में है या फिर किसी दूसरी कंट्री में है, तो अब ए ने बी से बात करनी है, तो ये क्या हुई, ये लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन होगी, वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो वायरलेस कम्युनिकेशन में भी डिफ्रेंशिएटेड बेस्ड ऑन द रीजन इट कवर्स इंटू शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन। कि कितना रीजन ये कवर करता है, उसके बेसिस पे इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस पर। अब शॉर्ट डिस्टेंस की हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है वो है वाईफाई है, वाईमैक्स है, ब्लूटूथ है, इंफ्रारेड है, वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाईफाई क्या होते हैं। वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी।
ये क्या है, एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम जो कि बहुत कॉमनली हमारे घरों में, हमारे ऑफिसेज में हम लोग कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, इसको WLAN भी कहा जाता है, वायरलेस LAN। ठीक है, ये बहुत पॉपुलर है। और वायरलेस जो वाईफाई है ना, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या यूज़ करती है, रेडियो वेव्स को यूज़ करती है। जैसे आपका राउटर है, ठीक है, फिर आपका ये एक फ़ोन है, ये एक और एक पर्सन का फ़ोन है, बी पर्सन का फ़ोन है, ये आपस में दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है, वायरलेसली बात कर रहे हैं, वाईफाई के थ्रू बात कर रहे हैं। तो क्या है, डाटा आपका कहाँ से ट्रेवल हो रहा है, एयर में ट्रेवल हो रहा है ऑब्वियसली, कोई हमारे पास लिंक केबल नहीं है, कोई वायर्ड कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और किस फॉर्म में हो रहा है, रेडियो वेव्स में। तो जब भी वाईफाई का इस्तेमाल हो रहा है तो ये याद रखना कि जो डाटा हमारा ट्रांसफ़र हो रहा होगा वो रेडियो वेव्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा होगा। वाईफाई के थ्रू हम हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं जैसा कि हमें पता है, और इसके लिए हमें या तो एक राउटर बाय करना होगा और कोई वायरिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि राउटर को हम लोगों ने पीछे बैक एंड से कनेक्ट कर दिया। अब ये राउटर सारा हमें वाईफाई के सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो हमें कोई एक्स्ट्रा वायरिंग की ज़रूरत नहीं है। और ये सेटअप इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, ये एक इनएक्सपेंसिव सेटअप है। ठीक है, डाटा हमारा कहाँ से ट्रैवल हो रहा है, एयर के ऊपर ट्रैवल हो रहा है, मैं बता चुकी हूँ। लेकिन एक इसका मसला क्या है कि ये वाईफाई जो है ना, इसकी रेंज बहुत लिमिटेड है। जैसे जैसे आप राउटर से दूर होते जाओगे, अगर ए यहाँ पे इसको राउटर के सिग्नल रिसीव हो रहे हैं, ये रूम से बाहर निकला अगेन इसको रिसीव हो रहे हैं, लेकिन घर से बाहर निकला तो जो राउटर के हमारे सिग्नल्स होंगे ये हमें रिसीव होना कम हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे जैसे हम और दूर जाएंगे तो हमें सिग्नल्स रिसीव नहीं होंगे वाईफाई के। तो ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्या आ जाती है कि एक्सट्रीमली लिमिटेड इन रेंज ड्यू टू लो पावर ऑफ ट्रांसमिशन अलाउइंग यूजर्स टू कनेक्ट ओनली विद इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू अ राउटर और सिग्नल रिपीटर। ओके, अब इतना करीब होते हैं आप इससे, उतनी आप लोगों को सर्विस अच्छी मिलेगी। जैसे जैसे दूर होंगे, ओके, तो आप लोग की जो है इसकी सर्विस अनअवेलेबल हो जाएगी आपके लिए। तो हम लोग घरों में इसको कॉमनली यूज़ करते हैं किसी केबल्स की रिक्वायरमेंट के बगैर, और इसको हम लोग पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं ताकि कोई अनऑथराइज्ड बंदा इसको यूज़ ना कर सके, ठीक है। तो हम इजीली इसके ऊपर, अपने राउटर के ऊपर, अपने वाईफाई के ऊपर पासवर्ड्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी हमने स्टडी करनी है, दैट इज़ WiMAX। WiMAX stands for Worldwide Interoperability for Microwave Access। अब मैंने बताया था कि जब वाईफाई में हम लोग ए और बी एक दूसरे से अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं वाईफाई के थ्रू, तो रेडियो वेव्स की फॉर्म में डाटा जा रहा है, जबकि WiMAX में हमारे पास माइक्रोवेव्स की फॉर्म में डाटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। माइक्रोवेव की फॉर्म में डाटा हमारे पास ट्रांसफ़र होता है। सेकेंडली, जो हमारे पास वाईफाई था इसकी रेंज कम थी, जबकि WiMAX का जो डिफरेंस है वाईफाई से वो ये कि ये 40-50 किलोमीटर तक आप इसके अंदर WiMAX के अंदर आप सर्विस को रिसीव कर सकते हैं, सर्विस अचीव कर सकते हैं और इसके थ्रू कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक सिटी के अंदर हैं तो आप WiMAX की सर्विस हासिल कर सकते सिटी के अंदर रहते हुए, या 40-50 किलोमीटर्स के अंदर रहते हुए। तो WiMAX क्या क्रिएट करता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है कि एक सिटी या अगर दो सिटीज अगर 40-50 किलोमीटर की रेंज में हैं तो इसको ये अपने अंदर कवर कर लेता है, जबकि वाईफाई एक सिंपल लैन हमारे लिए क्रिएट करता है, लोकल एरिया नेटवर्क है। हम लोग एक रूम के अंदर, एक घर के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर, एक ऑफिस के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो WiMAX हमारे पास केबल जो हमारे रिसीव होती है, केबल टीवीज या फिर DSL इंटरनेट कनेक्शन, इसका एक अच्छा अल्टरनेटिव है, और ये प्रोवाइड करता है पब्लिक नेटवर्क सर्विस टू यूजर्स के, जो पब्लिक है इसको एक्सेस कर सकती है, क्योंकि ये काफ़ी वाइड एरिया तक कवर कर रहा है एक रेंज को, तो इसलिए। ओके, नेक्स्ट जो हमें टॉपिक स्टडी करना है आज वो है ब्लूटूथ। अब ब्लूटूथ क्या है, काफ़ी शॉर्ट रेंज होती है इसकी, अराउंड 10 मीटर्स,
ठीक है, सिर्फ 10 मीटर्स के अंदर रहते हुए आप डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो। ब्लूटूथ इज अ शॉर्ट रेंज एंड लो स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसकी रेंज कितनी है, 10 मीटर्स तक है, और डाटा ट्रांसफर रेट भी इसका काफ़ी कम होता है। डाटा बड़ी स्लोली ट्रांसफर होता है, देखिए पहले एक पिक्चर जाती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, स्लोली स्लोली। तो खाली 723 kbps हमें ये देता है, ठीक है, किलो बिट्स पर सेकेंड। और लेकिन ये पावर भी कंज्यूम करता है हमारी, ज़्यादा कम बैटरी लेता है। प्रोवाइड्स अ वे टू कनेक्ट एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन डिवाइसेस, लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसीज, प्रिंटर, डिजिटल कैमराज एंड वीडियो गेम कंसोल्स। ब्लूटूथ की सर्विस हमारे लैपटॉप में प्रेजेंट होती है, हमारे मोबाइल फोन में प्रेजेंट होती है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, करते हैं ब्लूटूथ ऑन करते हैं हम, जो रिसीविंग पार्टी है वो भी अपना ब्लूटूथ ऑन करेगी, दोनों आपस में कनेक्ट होती हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन दो बंदे जो आपस में ब्लूटूथ के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनको 10 मीटर्स के अंदर अंदर रहना होगा, और जो डाटा की ट्रांसफर की स्पीड होगी वो भी काफ़ी कम होगी। ठीक है, ब्लूटूथ को रिप्लेस कर दिया गया है, सॉरी, हम लोग केबल्स को रिप्लेस कर सकते हैं ब्लूटूथ से। ओके, कि हम लोग अपने पीसीज को किसी प्रिंटर के साथ अगर हमने कनेक्ट करना है तो हम वायर के थ्रू कनेक्ट ना करें बल्कि ब्लूटूथ के थ्रू उसको कनेक्ट कर दें, तो हमें केबल को यूज़ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन प्रिंटर्स का इसकी ब्लूटूथ की रेंज के अंदर होना ज़रूरी है। इसी तरह हमारे पास कीबोर्ड्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, हमारे माउस हैं, इसके अलावा हमारे हेडसेट्स होते हैं, इन सबको हम लोग ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो इंफ्रारेड ये हम कल इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।